कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक के दौरान किसी स्ट्रक्चर को, किसी बिल्डिंग को उस अर्थक्वेक की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक की वजह से उस बिल्डिंग पे उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप सबको पता होनी चाहिए कि अर्थक्वेक है क्या चीज़। बेसिकली अर्थक्वेक को अगर हम जनरली डिफाइन करें, अ शेकिंग ऑफ ग्राउंड विच इज कॉज्ड बाय वोल्केनिक एक्टिविटीज। और वोल्केनिक एक्टिविटीज का मतलब ये है कि हीट इफेक्ट की वजह से जब कोई एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसकी वजह से ग्राउंड की शेकिंग अगर हो जाए तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। हमें ये बात बखूबी इलम है कि जमीन के अंदर जो है ना पार्टिकल में यानी फॉल्ट्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी प्रिंसिपल से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेरी क्लियर है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही प्रिंसिपल को अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें तो फॉल्ट के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है। अब वो एनर्जी स्टोर एनर्जी है, लेकिन सडन रप्चर की वजह से उस फॉल्ट में जब सडन रप्चर आ जाता है तो वो एनर्जी तो पहले स्टोर होती है, लेकिन उसको फिर जो है ना रप्चर की वजह से वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी नहीं रहती, फिर वो एनर्जी जो है ना ट्रांसफर होती है एक पार्टिकल से सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड में हमें पता है कि सॉलिड वो चीज़ होता है जिसकी वजह से पार्टिकल थ्रो पार्टिकल जो है ना उसमें एनर्जी ट्रेवल करती है। तो जब ये एनर्जी ट्रेवल करती है तो फिर ये एनर्जी वेव्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये अब फिर अर्थक्वेक की वजह से टू टाइप्स जो है ना वो बेसिकली जो हमारे साथ उसके टू टाइप्स है, एक बॉडी वेव्स अकर होते हैं और एक सरफेस वेव्स। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये जो स्ट्रेट गए हैं ऊपर की तरफ से, ये बिल्कुल ये ग्राउंड है यानी ये सॉइल है, ये सॉइल के ऊपर ग्राउंड सरफेस है और ये जो है ना ये फॉल्ट रप्चर है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ से जो डायरेक्टली आपको ये शो किया गया है, ये रेड लाइन से आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड सरफेस वेव्स, क्योंकि दीज आर दोज वेव्स विच आर ट्रेवलिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो है ना जमीन के बिल्कुल सरफेस पे ट्रेवल करती है, इसको इसलिए इसको सरफेस वेव्स का नाम दिया गया है। इसके साथ आप ये देख सकते हैं ये जो है ना ये बॉडी वेव्स है, और इसको बॉडी वेव्स इसलिए कहते हैं कि दीज आर दोज वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ये सरफेस पे नहीं जाती बल्कि ये बॉडी पे थ्रू द बॉडी अर्थ गई हुई है, इसलिए दीज आर कॉल्ड बॉडी वेव्स। अब जो है ना इसमें चूंकि टू टाइप्स ऑफ वेव्स है, एक सरफेस वेव है, बॉडी वेव है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये दोनों वेव्स जो है ना जनरेट होते हैं फॉल्ट से और दोनों वेव्स ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन इसमें हम बेसिकली फिर ये देखते हैं कि सरफेस वेव्स का इफेक्ट डेंजरस होता है या बॉडी वेव्स का। तो ये जो है ना ये सरफेस वेव्स जब आ जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर के साथ डायरेक्टली कोलाइड हो जाते हैं, और इसका जो मीटिंग ऑफ द वेव्स विद द स्ट्रक्चर है वो जो है ना मोर एक्सपोज है, वो बहुत जल्दी आसानी से हो जाते। तो ये सरफेस वेव्स आर मोर डेंजरस देन बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स जो है ना ये नीचे आकर जो है ना इतनी स्पीड से और इतनी वेलोसिटी से नहीं आ सकती जितने जो है ना सरफेस वेव्स आ जाती है, और ये इनकी वेलोसिटीज फिर डिफरेंट होती है, पाथ ऑफ ट्रेवलिंग जो है ना वो भी डिफरेंट होती है, वेलोसिटी के टाइप पर डिपेंड करती है, जमीन के उसके अर्थ क्रस्ट पे भी डिपेंड करती है, और जो है ना ये लोकल ग्राउंड जो है ना उस पे भी डिपेंड करता है। तो इसकी वजह से मोशन जो है ना वो फिर वेरियस होता है, मुख्तलिफ होता है, बैक एंड फोर्थ मोमेंट ऑफ द ग्राउंड अकर हो जाता है। यूजुअली जो बैक एंड फोर्थ मोमेंट होते हैं ग्राउंड के, ये इस तरह बैक एंड फोर्थ मोमेंट जो होते हैं यूजुअली जो है ना ये हॉरिजॉन्टल होता है, बट इट कैन ऑल्सो भी वर्टिकल। तो